हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5, लेकिन आज धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। शाम के 5 बज के फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है आज। तो आज मैं आपको मेरे गांव का एक बहुत ही फेमस चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मशहूर है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, आप वीडियो देखिए और वीडियो में बने रहिए, तब मैं बताऊँगा कि मेरे गाँव में कुछ है एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोग आ चुके हैं वो फेमस जगह, देखिए ये है न्यू सेन स्वीट्स। ये एक छोटा सा ढाबा है, इसमें आपको मिठाई वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इसका लोकेशन आप देखिए, बगल में एक तालाब है, एक छोटा सा झोपड़ी है, इसमें भी आप बैठ के आराम कर सकते हैं। और ये जो है मेरे गांव के जस्ट एंट्री में है, मतलब आप जामतड़ा से जैसे सोनबाद आइएगा तो ये मेन एंट्री में सोनबाद में ही घुसते घुसते ये मिलेगा ढाबा। ये ढाबा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे जो पकोड़ा मिलता है, जी हाँ, पकोड़ा के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत कुरकुरा पकोड़ा आपको मिलता है, वो भी गर्मा गर्म, ऐसा नहीं कि सुबह का या दोपहर का पकोड़ा आपको शाम में मिले। इनको जब ऑर्डर किया जाता है तब ये गर्मा गर्म बना के देते हैं। जैसे कि हम लोग भी अभी ऑर्डर कर चुके हैं तो हम लोग के लिए बन रहा है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है और ये बना रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं मसाला। और यहाँ पे चाउमीन वगैरह भी आपको मिलता है शाम में, अंडा चाउमीन, वेज चाउमीन, सब टाइप का आपको मिलेगा। वेज रोल वगैरह भी ये लोग बनाते हैं। और ये है मिस्टर संतोष सेन, इन्हीं का ढाबा है, ये खुद भी बनाते हैं और कभी कभार इनका वर्कर्स भी आते हैं बनाने के लिए। हम लोग का देखिए पकौड़ा छना रहा है, कितना क्रंची और कुरकुरा है, वो आपको जानने के लिए कि कितना अच्छा आपको आकर के यहाँ पे पकौड़ा खाना होगा। अभी हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं पकौड़ा और मूढ़ी चनाचूर, ये सब मिक्स करके खाने में बहुत मज़ा आता है। एक राउंड जो अभी बना वो शायद बिक गया, तो हम लोग के लिए दूसरा राउंड बन रहा है, दूसरा फिर से छान रहे हैं। यहाँ देखिए जो अभी छाना गया था वो बिक गया, हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, किन्हीं को हड़बड़ी था तो उनको दे दिया गया। अब हम लोग का भी ऑर्डर तैयार है, हम लोग को मिल जाएगा कुछ देर में। यहाँ पकौड़ा मिठाई के साथ साथ और भी बाकी बिस्किट वगैरह से मिलता है। देखिए ये हम लोग का पैक हो चुका है, मूढ़ी है, पकौड़ा है, इसमें मिर्चा प्याज सब कुछ है, ये मिक्स करके हम लोग खाने वाले हैं। इसके साथ हरा मिर्चा बहुत मज़ा आता है, जो कि हम लोग ले लिए हैं। देखिए हम लोग एक जगह बैठ के ये पकौड़ा मूढ़ी का मज़ा ले रहे हैं। हम लोग जिस जगह बैठे थे वहाँ पे दो कुत्ते बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि उनको भी थोड़ा पकौड़ा टेस्ट करवाया जाए। ले, ले। ये लोग तो पहले डर रहे थे, फिर उन्होंने भी थोड़ा चखा, खा ना, इनको भी शायद अच्छा लगा होगा मेरे गांव का फेमस पकौड़ा।